अस्सलाम वालेकुम, हे देयर फेलो गार्डन लवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गार्डनिंग टाइम विद दानिश अहमद। आज हम बात करेंगे ऐसे पांच कॉमन गार्डनिंग मिस्टेक्स के मुतालिक जो कि आप करते हैं और उनकी वजह से आपके पौधे मर जाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर वन है ओवर वाटरिंग। अक्सर आप नर्सरी से पौधे लाते हैं तो आप पौधे को बहुत ज़्यादा पानी देना शुरू कर देते हैं और आप ये समझते हैं कि आप पौधे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। आप पौधे के लिए अच्छा काम नहीं, बल्कि ये आपका जो अच्छाई वाला काम है ये पौधे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि जब पौधे को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा आप पानी देंगे तो उसकी जो गमले की मिट्टी है उसमें पानी खड़ा होना शुरू हो जाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसकी वजह से पौधे की जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी और आप ये भी नोटिस करेंगे कि आपके जो पौधे के पत्ते हैं वो पीले होना शुरू हो गए हैं और मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए इसका एक आसान सा तरीका ये है कि जब भी आप पौधे को पानी दें तो उसकी जो टॉप एक दो इंच की सॉइल है उसे चेक कर लें। अगर वो ड्राई महसूस हो रही है तो आप उसे पानी दे दें, अगर ड्राई महसूस नहीं हो रही तो आप उसे पानी ना दें। मिस्टेक नंबर टू है पौधे को गलत लाइटिंग में रखना। यानी कि हर पौधे की लाइट की अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ पौधे लो लाइट में अच्छे से ग्रो करते हैं और कुछ पौधे डायरेक्ट सनलाइट में अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये मिस्टेक आप आसानी से कर सकते हैं कि लो लाइट वाले पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में रख दें और डायरेक्ट सनलाइट वाले पौधे को लो लाइट में रख दें। तो इस वजह से भी पौधे की ग्रोथ ख़राब होती है और पौधा आपका मर सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कैक्टस और सकुलेंट्स वगैरह को डायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है, उसमें उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है। अगर आप सकुलेंट और कैक्टस को लो लाइट में रख देंगे तो उनकी ग्रोथ पे ख़राब हो जाएगी और पौधा आपका मर जाएगा। और इसी तरह आप अगर स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और इस तरह के जो लो लाइट वाले पौधे हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो उनके पत्ते जलने लग जाएंगे और पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने अपने पौधों पर थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि किस पौधे की लाइट की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपने अपने पौधे को उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने घर में आप इंडोर रख रहे हैं या आउटडोर रख रहे हैं तो वहाँ पर रखना है, ताकि आपके पौधे लाइटिंग की वजह से ख़राब ना हो, उनकी ग्रोथ ना रुके और आप अपने पौधे को मरने से इस तरह बचा सकते हैं। मिस्टेक नंबर थ्री है गलत गमले का इंतखाब करना। आप इस बात को माने या ना माने, आपका जो पौधे का गमला है वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका पौधा। अगर आपका पौधे का गमला बहुत छोटा होगा तो जड़ों को ग्रो करने की जगह नहीं मिलेगी और आपका पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। और इसी तरह अगर आपके पौधे का जो गमला है वो बहुत बड़ा है तो उसमें जो ना हर टाइम पानी खड़ा रहेगा, मिट्टी हर टाइम उसकी मॉइस्ट रहेगी तो जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आपके पौधे का जो रूट बॉल है आपने गमले को उससे एक दो इंच बड़ा रखना है, ताकि पौधे को अच्छे से पानी भी मिल सके और उसकी जड़ों को ग्रो करने की अच्छे से जगह भी मिल सके। मिस्टेक नंबर फोर है लेक ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर आपका घर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं जिन्हें नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके जो पत्तियों की टिप्स है वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि मनी प्लांट, फाइलोडेंड्रोन, पीस लिली, इनके पत्ते आपने अक्सर देखे होंगे कि ये ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं टिप्स से, तो ये नमी की कमी की वजह से होता है। अगर आप अपने घर में नमी कम है तो आप उस मसले का हल इस तरह निकाल सकते हैं कि आप पौधों के पत्तों के ऊपर जो स्प्रे वाली बोतल होती है उससे स्प्रे कर सकते हैं, पौधों को ग्रुप की सूरत में रखें ताकि उसका माइक्रो क्लाइमेट बना रहे और उसमें नमी अच्छी बनी रहे। इसके अलावा आप एक पानी की ट्रे भी पौधों के गमले के करीब रख सकते हैं ताकि उससे भी नमी अच्छी बनी रहे। इस तरह आप अपने पौधों में ग्रोथ बहुत अच्छी चलती हुई देख सकेंगे। एंड फाइनली मिस्टेक नंबर फाइव है इग्नोरिंग द पेस्ट अटैक। यानी कि अगर आपके पौधे के ऊपर पेस्ट का अटैक हुआ है और आप इसे इग्नोर कर रहे हैं तो आपका पौधा बहुत जल्द ही मर जाएगा। आपने रेगुलरली अपने पौधे को पत्तों को चेक करना है कि कहीं उस पर छोटे छोटे जाल तो नहीं बने हुए जो कि स्पाइडर माइट बनाती है, छोटे छोटे सब्ज़ कीड़े आपको नज़र नहीं आ रहे जैसे कि एफिड्स होते हैं। तो आपने इन सब पौधों के ऊपर इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि कहीं उस पर इंसेक्ट्स का अटैक तो नहीं हुआ हुआ। अगर इंसेक्ट का अटैक हुआ हुआ है तो आपने नीम ऑयल का स्प्रे उसके ऊपर करना है या उसके ऊपर कोई जो पेस्टिसाइड होता है उसका स्प्रे करना है। और मैनुअली अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो मैनुअली किसी गीले कपड़े से आप इन चीज़ों को, इन कीड़ों को साफ़ कर सकते हैं ताकि आपका पौधा मरने से बच जाए।
इन 5 कॉमन मिस्टेक्स के बाद मैं आपसे एक बोनस टिप शेयर करता चलूँ कि आपने हमेशा पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी सॉइल टाइप का इंतखाब करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर सकुलेंट्स और कैक्टस वगैरह को वेल ड्रेनिंग सॉइल पसंद है, और जबकि जो ट्रॉपिकल प्लांट हैं उन्हें जो है ना जिसमें मॉइस्चर का तनासब काफ़ी बना रहे उस तरह की मिट्टी पसंद है। तो आपने इसी हिसाब से पौधे की सॉइल का इंतखाब करना है। अगर आप पौधे की सॉइल का उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंतखाब करेंगे तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी चलेगी और पौधा आपका बहुत हैप्पी रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।